नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। अलमनार सोशल सर्विस मिली वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा आज आई चेकअप कैंप लगाया गया एवं निशुल्क दवा का वितरण किया गया। बता दें कि प्रातः 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक यह सुविधा सभी के लिए उपलब्ध थी, जिसे जुगसराय पूर्णिमा नेत्रालय में लगाया गया। बता दें कि ट्रस्ट द्वारा हर वर्ष ब्लड कैंप, आई चेकअप कैंप एवं कंबल वितरण का कार्य किया जाता है। और मिली वेलफेयर ट्रस्ट के तरफ से हम लोग हर साल आई कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप और कंबल वितरण का प्रोग्राम करते हैं। और हर सैटरडे के दिन अलमिनार सोशल सर्विस के तरफ से और मिली वेलफेयर सोसाइटी उस पर गाड़ी लगाती है और हर सैटरडे को फ्री में लोगों का, करीब 50 से 55 लोगों का फ्री में चेकअप किया जाता है और फ्री दवाई भी दिया जाता है। ये हमारी सोसाइटी के सारे लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और जो भी हम लोग सोसाइटी में है वही लोग इसमें देख के सारा काम हम लोग अंजाम देते हैं। मिली वेलफेयर ट्रस्ट हमारा हर चीज़ में लगा रहता है। अच्छा है कि जैसे हम लोग जब से काम कर रहे हैं तो ये हम लोग अपने आप कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, जितने मेंबर्स हैं हम लोग आपस में कर रहे हैं। सरकार से हमारी जब बातचीत भी हुई, विधायक जी से भी हम आग्रह करेंगे कि जो फंड है वो फंड हम लोगों को कम से कम दिया जाए ताकि हम लोग जो काम कर रहे हैं इसके और आगे बढ़ चढ़कर और काम कर सके और जो ज़रूरतमंद है उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों से मदद पहुँच सके। हम सांसद जी से भी निवेदन करेंगे कि कम से कम हमारे जुगसलाई को देखें, जुगसलाई में बहुत सारी कमियां हैं। और एक सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा हमारे सांसद जी से भी और हमारे विधायक जी से भी, माननीय श्री मंगल कालिंदी जी से, कि हमारी जुगसलाई में जो सबसे बड़ी आज जो ज़रूरत है वो है एक नर्सिंग होम की। हमारे जुगसलाई में एक भी नर्सिंग होम नहीं है। ये मुस्लिम बहुल्य बहुत क्षेत्र है और काफ़ी मुसलमान मुस्लिम है यहाँ पे। यहाँ पर आग्रह करना चाहेंगे हमारे विधायक जी से कि हमें एक OPD की तरह एक जो है हम लोगों को कम से कम 5 या 6 बेड का, हमारे पास ज़मीन भी है, ऐसी बात नहीं है कि ज़मीन नहीं है, है ना, एक अस्पताल नुमा, चाहे वो छोटा सा ही हो, अभी कम से कम अभी शुरुआत में ये कर दे, फिर आगे जैसे जैसे काम बढ़ेगा तो फिर एक अच्छा सा अस्पताल। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।